अजी कभी गाली खाई है? रोज खाते हैं। किससे? शादीशुदा आदमी है, रोज गाली खाता है इसमें। अजी कभी अपनी सिंगिंग से इंप्रेस किया किसी को? मैंने अपनी बीवी को कोशिश की थी पर वो हुई नहीं। यहाँ पे फेल हो गए। सभी कहते हैं कि यार एप्पल अ डे अ डॉक्टर अवे, आप बोलते हो नो। पर यार डॉक्टर डॉक्टर नहीं क्यों ढूंढता है? देखो मैंने तो इसीलिए ढूंढी थी कि चलो मेरा पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो वो तो पैसे कमा ले, घर तो चल ले हमारा। मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ, दिल की मस्त बीट पे। 1 2 3 मैं जिंदगी की विंडो सीट पे चला हूँ, दिल की मस्त बीट पे, ये धड़कने हैं रिपीट पे। ए, 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 वो ओ। भाई कौन है यहाँ पे? हमारे साथ हैं चांद बालियां वाले आदित्य ए। पर ये ए क्यों लगाते हो आप आगे? ए ना मेरा अग्रवाल था वैसे, तो मैंने वो सिर्फ ए रख लिया उसका। ए पर कई लोग बोलते हैं औसम भी होता है उससे, आदित्य औसम। मैंने सोचा आपने उस चक्र में लगाया ए, वो ए चली गई ना। भाई ये हमारा शो है 9X स्टेशन, लिफ्ट करा दे। आप एक बार बोल दो पापी लिफ्ट करा दे। पापी लिफ्ट करा दे यार। पर ये तो रिलैक्स होगी हर जो। आज मेरे नाल ने आदित्य, इनकी फैन फॉलोइंग मेरी जो फैन फॉलोइंग है लड़कियों की उनसे कम है। ये कहने की बात है। पर ये आज मेरे साथ हैं जिनका गाना ऐसे पड़ा रहा 2-3 साल जैसे हम घर में पड़े रहते हैं, और फिर एक दिन ये उठे और चांद बालियां पे आलिया ने रील डाल दी, चार्टर नंबर पे दस सिंगर ने वो कवर भी कर दिया। भाजी आपने क्या था, आपने छोड़ दिया उस गाने को? आपको नहीं पता था यार ये तो नहीं चलना इतना गाना? हाँ नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं तो बस उसको रिलीज करके छोड़ चुका था 2020 में। मैंने कहा ठीक है जो होगा होता जाएगा, पर ये नहीं सोचा था इतना कुछ हो जाएगा। इतना कुछ हो जाएगा, क्या बात है। पर ये हमारा ये शो है जो सीरियस शायरी से शुरू होता है। अर्ज करूं? बिल्कुल। दुनिया में है इतना हुसन फिर भी हम अकेले, ए फॉर अकेले, कभी पर्सनल कभी फैमिली के झमेले, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है कि कोई बजाए आपके लिए तालियां। चांद बालियां तेरी, चांद बालियां क्या? वो क्या है, गालों में लालियां और होंठों पे गालियां। भाजी कभी गाली खाई है? रोज खाते हैं। किससे? शादीशुदा आदमी है, रोज गाली खाता है इसमें। दर्द, ये दर्द तो सब जानते हैं। अच्छा भाजी कभी लिफ्ट में आपके साथ ऐसा वैसा कुछ किस्सा हुआ? मैंने सुना है लिफ्ट में। हाँ ये पहली बार किस्सा हो रहा है मेरे साथ लिफ्ट में। पर ये करियर में आपको लिफ्ट किसने कराई थी सबसे पहले? करियर में चांद बालियां से ही लिफ्ट मिली है मेरे को सीधी इंस्टाग्राम रील्स पे। चांद बालियां ने लिफ्ट कराई आपको, क्या बात है। जितने आप कितने बड़े आशिक रह चुके हैं, क्योंकि चांद बालियां जो भी सुनेगा वो बोला यार चांद बालियां ये तो कोई बड़ा आशिक होगा। आप कितने बड़े आशिक रह चुके हैं? मैं अंदर से बहुत बड़ा आशिक हूँ पर बाहर से नहीं। बाहर से नहीं, नहीं। हिडन टैलेंट है आदित्य का, हिडन टैलेंट। माधवी जी सुन लो, अंदर से आशिक है। भाई क्या ये सच है जो गिटार वाला लड़का होता है उस वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है? आई थिंक ऐसा होता होगा कुछ। भाई लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए गिटार सीखते हैं? हाँ बहुत लोग। आप भी उन्हीं में से हो शायद। क्या बात है। पर यार बड़े जेन्युइन आर्टिस्ट हैं आप। हाँ। बहुत ही पॉजिटिव वाइब है आपकी। थैंक यू। पर आप डॉक्टर हैं खुद, लेकिन आपको डॉक्टर अच्छे नहीं लगते, ये सच बात है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर प्यारे होते हैं, बढ़िया होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, मैं भी तो हूँ। क्या बात। भाई डॉक्टर प्रोफेशन पहला भाई सिंगर है, कोई भी डॉक्टर कम सिंगर आपने देखा नहीं होगा दुनिया में। भाई है सच है ना? कौन है और? पलाश सेन। वो उनका गाना बताइए, धूम पिचक धूम मायरी। वो मेरे कॉलेज के ही हैं, सीनियर है मेरे। डॉक्टर कम सिंगर और मार्केट में आने वाले हैं डॉक्टर भी ये सिंगिंग प्रोफेशन चूज करने लग गए हैं। पर अगर आपको डॉक्टर और सिंगिंग में से चूज करना हो किसको चूज करेंगे आप? नहीं मतलब देखो दोनों बहुत अलग चीजें हैं, बट अभी मेरे को सिंगिंग में मजा आ रहा है और डॉक्टरी भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। अजी कभी अपनी सिंगिंग से इम्प्रेस किया किसी को? क्योंकि गिटार सीखी है, सिंगिंग है, कई बार यार होता है हम लड़के हैं है ना। हाँ हाँ। कभी किया कभी किसी को इम्प्रेस? मैंने अपनी बीवी को कोशिश की थी पर वो हुई नहीं। यहाँ पे फेल हो गए, जहाँ पे नहीं पिघले वो हैं। बिल्कुल सख्त है वह पूरे 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 सख्त एकदम। अरे किस बात पे आपकी नोक झोंक हो जाती है अक्सर?
माधवी जी से, आपकी वाइफ से? तो देखो मैं कोशिश करता हूँ ना हो, पर हो जाती है क्योंकि जिसने करनी है नोकझोंक वो कर ही लेता है। फिर मनाता कौन है? हाँ मैं ही मनाता हूँ, वो मेरा ही काम है। वो जब हमने शादी करी थी वो डिसाइड हुआ था, है ना, कि ये तुम्हारा ही काम है। हस्बैंड वो शादीशुदा है ना, हम खतरों से खेलते हैं। पर यार थोड़ी सी बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है आप, है ना, डॉक्टर कम वो और वाइफ भी। पर यार डॉक्टर डॉक्टरानी क्यों ढूंढता है? देखो मैंने तो इसीलिए ढूंढी थी कि चलो मेरा पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो वो तो पैसे कमा ले, घर तो चल ले हमारा। यार पाजी तुसी बहुत जेन्युइन आर्टिस्ट हैं। पर ये क्या बात है जित्ते भाई, आपके साथ मैंने गेम खेली है, यस नो, आपने सब कुछ बोलना है लेकिन यस और नो बिल्कुल नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। अच्छा यस और नो नहीं बोलना। हाँ, इज्जत का सवाल कितने नंबर का होता है आपको ये भी पता है? ओह नो, 5 नंबर। बहुत अच्छे। सभी कहते हैं कि यार एप्पल अ डे अ डॉक्टर अवे, आप बोलते हो नो। अब बोलिए आप। सवाल एकदम लाजवाब है आपके। बिल्कुल। क्या बात, अरे आपने अच्छा जवाब दिया। अगला सवाल है, क्या है सच्चे आपने अपनी एक्स की मूवी टिकट अभी भी संभाल के रखी है? ये इसका तो वैसे भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखते फंस गए हैं, यस नो में फंस गए हैं। और बहुत अच्छी आपने यस नो गेम खेली है। यस बोला अगर, हाँ, इस पे, हाँ, तो मतलब एक्स, एक्स अगर नो बोला, हम्म, ठीक है कि नहीं रखी, मतलब एक्स तो थी। बीवियां पकड़ लेंगी इस बात को पाजी। एज ए हस्बैंड आपने बहुत अच्छी गेम खेली, मैं आपको जिता रहा हूँ। थैंक यू सो मच पाजी। चांद बालियां आपने हिट दिया, संडे अब आपका चल रहा है गाना, ख्वाब, अवारगी, तो ना हर बंदे के फैंस होते हैं। राजेश खन्ना ने कहा कि मेरे फैन मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपके साथ ऐसा कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ जो भूल नहीं सकता आज कभी? जो बोल नहीं सकता, भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता। अब मतलब ऐसा जब लोग आके शोज के बाद मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मेरे को फ्लाइट में, एक शुरू में जब वायरल हुआ था ना गाना, ओके, तो एक लड़की ने पहचान लिया मेरे को फ्लाइट पे, आप चांद बालियां के सिंगर हो, मैंने मास्क पहना हुआ था तब। मैंने कहा यार कमाल होगी, मास्क भी पहना हुआ है फिर भी इसने पहचान लिया, तो इट वाज वेरी नाइस, मतलब मेरे को अच्छा लगा बहुत। अच्छा प्लेन में विद मास्क ही आपको पहचान लिया? और जितनी खुश वो मेरे से मिलके उतना ही खुश मैं कि बंदे ने पहचान लिया मेरे को। मैं अरे ये जो फैन थी वो फीमेल थी कि फीमेल था? नहीं फीमेल थी, फीमेल। अरे फिर तो खुशी बाहर निकल के आई होगी। अच्छा पाजी आपके यार दोस्त हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो नहीं आप तो पता भी थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, आप टाइम नहीं स्पेंड करते। मेरे यार दोस्त भी इंट्रोवर्ट नहीं है। अच्छा, वो भी इंट्रोवर्ट। क्या शिकायत है आपके यार दोस्तों? नहीं आई थिंक उनको मेरे से ज्यादा शिकायतें हैं क्योंकि मैं मिलता कम हूँ। आप मिलते कम? हाँ, तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है यार दोस्तों। बीवी से भी मिलते हैं आप खुद के? नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, माधवी जी से तो मिलना पड़ेगा। अच्छा भाई आपकी छोटी बेटी भी है? यस। अच्छा उसने कभी या वंस मोर पापा एक बार गाना सुना दीजिए, या वो जो बोलती है आपको सुनना पड़ता है? वो एक बार भी नहीं सुनाने देती, वो खुद ही गाने लग जाती है। तो उसको मैं कभी सिखाने की कोशिश करता हूँ ना कि बेटा ये देख, आप 2 मिनट बाद आओगे तो वो मेरे को सिखा रही होगी। अच्छा। पापा ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं, मैं क्या बहुत से। अच्छा बेटी आपको सिखाती है? हाँ वो मेरे को सिखाती है। अरे जैसे डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, है ना, जैसे प्रोफेसर होते हैं उनके बच्चे, आपने सोचा कुछ ऐसा फ्यूचर प्लानिंग? आई थिंक कोई फायदा नहीं है प्लान करके, और मैं चाहता भी नहीं प्लान करना, जैसा उसका मूड होगा। We'll support her in whatever she wants to do. अरे मुझे पता चला है कि आपकी जो सास है, सास भी कभी बहू थी, आपकी सास का आपसे बहुत प्यार है, आप कैसे उनके दिल तक पहुंचे? I think मैं उनकी बेटी को खुश रखता हूँ इसलिए वो खुश है मेरे। कि तू हमारे घर का तूफान संभाल रहा है, बच्चे बच्चे तू जीता रहे। अरे कैसा लगा आपको लिफ्ट शो करके? ये बहुत मजा आया यार, बहुत मजा। आपकी वाइफ वैसे भी बहुत अच्छी है और ये वैसे भी सेटिंग भी बहुत नई है मेरे लिए, तो बड़ा मजा आया मेरे को। भाजी हम इसका आगाज भी गाने से किया था, अंजाम भी गाने से करेंगे। आदित्य जी एक और गाना हो जाए जिसपे मैं ढोलकी बजा सकूं। चांद बालियां गाते हैं फिर, है ना? देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया।
क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपका चांद बाली जैसा संडे गाना भी हिट जाए। आदित्य जी, आपको शो कैसा लगा, एक अपने सिग्नेचर स्टाइल में आप कैमरे वालों को बता दें। मेरे को शो बहुत प्यारा लगा और पाजी ने बहुत बढ़िया मेरे से सवाल पूछे, इतना मजा आया इस शो के लिए और पाजी के लिए एक हार्ट। थैंक यू दित्य भाई। दित्य भाई आप जाइए संडे मनाइए अपना। थैंक यू जी, ठीक है जी। और आदित्य के गानों को ऐसे प्यार करते रहें और उनको मोहब्बत दें, उनके गानों को शेयर करें, सपोर्ट करें और पापी लिफ्ट करा दें।